हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस सेट कराती थी उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे। तो इस वीडियो में आज हम कुछ यूपी ट्रिपल SSC एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम जिसका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के तहत कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करेंगे ये पहले यूपी ट्रिपल SSC के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस टॉप 10 क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री के हुए हैं, ज्योग्राफी के हुए हैं या पॉलिटी के हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रोज़ चैनल पर अपलोड होंगे और हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स दोनों में ही अपलोड होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स का वीडियो होगा, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग भी चैनल से जुड़ सकें और ये क्वेश्चंस को पढ़ करके अपने आने वाले एग्ज़ाम में उसका यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल SSC एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस। एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पहला क्वेश्चन है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट आंसर बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका आंसर होगा तुलसी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल SSC परीक्षा 2016 में पूछा गया है। और सम्मिलित क्या किया जाता है, ये है गाय का दूध, गाय का घी और गाय का गोबर। क्या नहीं किया जाता है, तुलसी। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर का पानी सामूहिक रूप से पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो पूछा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद। एंड एज यू कैन सी, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल SSC एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। देखिए, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, ठीक है। अन्य तीन वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है और यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके श्लोकों में, श्लोक या भजन भी कह सकते हैं, संख्या टोटल कितनी है, 1028, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है और इसमें 10 मंडल है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने दोहे हैं, तो श्लोक कितने हैं, तो ये हैं 1028, और मंडल कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये हैं 10 मंडल हैं। ये पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। चार ऑप्शन दिया है, सही आंसर होगा सुरकोटदा, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा, जो कि गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, वहाँ से मिले हैं। राणा गुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। चार ऑप्शन दिया है, उसका सही आंसर होगा, रामायण में मांडवी पत्नी थी भरत की, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। रामायण में मांडवी भारत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की थी, उर्मिला लक्ष्मण की तथा शुद्धकृति शत्रुघ्न की पत्नी थी। नेक्स्ट है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बोधगया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की भी संज्ञा दी गई है। पॉज करके ये चारों चीज़ें याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इससे। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे, ये चार ऑप्शन दिया है। तो नागार्जुन एक थे बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन भी किया गया था। वे माध्यमिक दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है,
भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? और ये आपके यूपी स्पेशल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना शहर है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी, ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी 5000 वर्ष पुराना शहर है या विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी भी थी। पूछा जा सकता है कि बुद्ध काल में वाराणसी किस राज्य की राजधानी थी, तो ये काशी राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? पहले तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था, तो ये लिखा था विशाख दत्त ने और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बारे में फैक्ट्स है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में बता दे रही हूँ। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा के नाटक है, ठीक है, जिसकी रचना 4वीं शती के उत्तरार्ध एवं 5वीं शती ईस्वी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त द्वारा लिखित दो अन्य रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जो है देवी चंद्रगुप्तम और अभिशारिका वंचितक या अभिशारिका बंधितक अप्राप्य। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करने का श्रेय किसको जाता है? मुद्रा राक्षस को दिया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा और संस्कृत में लिखी गई है। पॉज कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्यधीन नहीं था? 4 ऑप्शन दिया है, तो ये थे कामरूप, ये अशोक के साम्राज्यधीन नहीं थे। बाकी कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक अशोक के साम्राज्यधीन थे। फिलहाल हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो ये है 13वां। 13वां जो है शिलालेख अशोक का प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय या राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो उनको मिली थी का वर्णन है, तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। और यह युद्ध 262-61 में पूरा ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तोशाली। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, पिन कर दूंगी। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इससे आपको एक क्वेश्चन हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू टेल द आंसर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया है, स्तंभ, स्तूप, चैत या बरादरी। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान था स्तंभ। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, जो कि आप पढ़ लीजिए। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकाश्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए तक्षशिला थी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र थी, या उज्जैन या तोशाली, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के। जैसा कि मैंने बताया कि अब चैनल पर वीडियो एग्ज़ाम के लिए
हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन एक दिन में हिंदी में और इंग्लिश में चैनल पे अपलोड होंगे। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सीरीज़ भी कराई जाएगी और कुछ अन्य फैक्ट्स से रिलेटेड चैनल पर वीडियो अपलोड होंगे। और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें और इन क्वेश्चंस को पढ़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट।